अगर हम अपने ज़िले के लोगों के और उनकी जो मांग है, आपने देखा होगा जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है 2014 से, हमने हर एक समय अपनी जनता की मांग को आगे रखा है। लेकिन उसमें हम देख सकते हैं ये सरकार जो है ये कहती ज़्यादा कुछ है लेकिन करती कुछ नहीं है धरातल पर, इसलिए हमेशा इसको झकझोड़ के रखने के लिए और इससे किसी चीज़ को मनवाने के लिए हमें संघर्ष का रास्ता अपनाना पड़ा है। उसी संघर्ष के रास्ते को अपनाते हुए हमने कहा है कि हमने उपायुक्त महोदय को दो दिन पहले मिल के इस बात का संज्ञान कर दिया कि बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, किसान जो है आज भूखमरी के कागार पे पहुंच रहा है और उसके लिए आपको ये आवश्यक कदम उठाने चाहिए। हमने इसलिए कहा है स्पेशल गिरदावरी के आदेश किए जाएं, पानी निकासी के आदेश किए जाएं और मुआवजे का ऐलान किया जाए, और उसमें हमने इसीलिए सोमवार मंगल का दो दिन वर्किंग डेज हैं वो इसीलिए दिए हैं कि सरकार को आदेश ही करके और इस चीज़ का करना है, अगर उनकी नीयत साफ है, नहीं है तो हम अपना संघर्ष का रास्ता हमने आपके सामने ऐलान कर दिया। 27 तारीख को 11 बजे लघु सचिवालय पे हम अपने साथी कांग्रेस जन के साथियों के साथ हम किसानों की आवाज़ को आगे बढ़ाते हुए और उसके लिए संघर्ष करेंगे और उस संघर्ष के लिए हम धरना प्रदर्शन और आगे भी जो कदम उठाना होगा उस कदम को उठाएंगे, लेकिन अपने किसान को, अपने किसानों को जो नुकसान हुआ उसको हम ऐसे जो है व्यर्थ नहीं जाने देंगे, उसके लिए संघर्ष करेंगे। बहुत सी जगह तो पानी निकासी की बात है, गांव के गांव चाहे यहाँ बड़का बड़वा की बात है, चनैनी की बात है, चाहे फिरोजपुर नमक की बात है, यहाँ आगे चल के सूडा का, कैरा का और इस तरफ इनके गांव की बात है, चाहे हमारे रानी का मालब की बात है, चाहे आगे चल के गुरालता के हमारे साथी और आगे चल के जाडौली और पूरे ज़िले में बहुत जगह से जहां लो लाइंग एरिया है, जहां पानी भरा है अत्यधिक बारिश, असामयिक बारिश की वजह से, उसमें सब जगह मैं समझता हूं हज़ारों एकड़ जो है जीविका जो है उसका प्रभावित हुई है। उसके लिए उपयुक्त कदम उठाने चाहिए थे लेकिन प्रशासन जो है उसने नहीं उठाए, उसके लिए अब भी अगर चेंज जाएगी तो उसमें हम समझते हैं कि कुछ ना कुछ लोगों को, किसानों को उसका उम्मीद जगेगी कि अगली उसकी आपकी फसल जो है।